चलवाए हो गया आपका। नाउ वी हैव टू डू द लेजर, बट वेट, डोंट ड्रॉ। पहला काम है तो लेजर डायरेक्टली होएगा नहीं चैप्टर का, तो वी हैव टू गो फॉर अ जर्नल। तो मैं इस समय पहले जर्नल कर रहा हूँ, बाद देखेंगे लेजर का पहले। ओके ना, एक दो सब जर्नल होने के बाद देखते लेजर, फिर डायरेक्टली लेजर करना खतरे से खाली नहीं है। चलो ये हो गया है, पॉज करो दीदी। अरे इसका एक्सपीरियंस नहीं, थोड़ा आएगा सवाल आते हैं, इसमें आ रहा है। चलो जर्नल ऑफ प्रिया दीदी। ओके बस पहले हम लोग को परचेज करना है, तो वी हैव टेक परचेज अगेंस्ट लोन दिया हुआ है और 2 लाख का सेल्फ फाइनेंस भी है। हाउ टू डू द जर्नल एंट्री, डेट क्या है 2012 30 जून को था, राइट 2012 30 जून। मशीन परचेज के अगेंस्ट लोन, तो एंट्री लिख के दिया हूँ, मशीन परचेज अगेंस्ट लोन, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू लोन, और फिक्स एसेट टू लोन तब कर सकते पहले। तो फिक्स एसेट में कौन सा एसेट है, मशीन है, मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन। ओके इतना सुनो, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन हो गया, पर 2 लाख का आपने सेल्फ फाइनेंस किया था, पेमेंट भी किया ना, तो पैसे ही आ रहा है, तो टू बैंक। ये आपको मैं लिख के नहीं दिया हूँ, लिख के दिया हूँ बैंक पहले लिखा हुआ। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट $10 लाख का एंड बैंक का $2 लाख का। अगर सेल्फ फाइनेंस का क्वेश्चन नहीं रहेगा तो हाउ लोन लिखना, ठीक है। अब हाउ टू फिल द अमाउंट, ये लोन में हम लोग लिखेंगे $10 लाख का अमाउंट और सेल्फ फाइनेंस में $2 लाख का अमाउंट। समझता है क्या बोल रहा हूँ, इन द लोन आई विल राइट द $10 लाख का अमाउंट एंड द बैंक $2 लाख का अमाउंट, ठीक है। $2 लाख फाइनेंस सेल्फ हो रहा। अब $10 लाख का पेमेंट तो आपको चार्ट से मिल जाएगा, 460 लाख मिला, तो 460 लाख समझता कुछ क्या हो रहा है। एंड देन $2 लाख जिस दिन खरीदा था उस दिन रेट 46 का था, बराबर उससे मल्टीप्लाई 92 लाख। समझता कुछ क्या हो रहा है, अभी दोनों को ऐड कर दो 558 ऐड करने में दिक्कत हो रहा है। तो बीन मशीन इंपोर्टेड वर्थ ऑफ $12 लाख जल्दी बोल दिए भाई। मशीन बीइंग इंपोर्टेड वर्थ ऑफ $12 एट द रेट ऑफ 46 रुपीज ईच, 46 रुपीज पर डॉलर। Converted into Indian rupees, Indian currency. Out of which $2 lakh made self finance or made down payment. Being machinery imported worth of $12 lakh at the rate of 46 rupees per dollar converted into Indian rupees, out of which usme se $2 lakh kya hua hai down payment aapne kiya hai. To ye tha machinery account debit to loan account and to bank account. Alawa itna, then 31 December ko kya aa raha hai, payment ho raha hai, right hai, settlement. क्या एंट्री है सेटलमेंट का, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक है, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक बराबर है।
उसके बाद आफ्टर वो अपने लॉस हो रहा होगा अकाउंट में, लॉस तो एक्सपेंशन डेबिट आ जाएगा, तो लोन अकाउंट डेबिट एक्सपेंशन डेबिट टू बैंक, तो लोन अकाउंट डेबिट एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अब हम सर तो हम लोग को करने के बाद मालूम था बैलेंस का किधर आ रहा है, वर्किंग नोट किए है ना, तो वर्किंग नोट में तो दिया ना भाई लॉस वाला प्रॉब्लम होगा अपने को, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक राइट है। अब हाउ टू फिल अप द अमाउंट, चार्ट देखो आपने 2 लाख डॉलर का पेमेंट के अंदर चार्ट के अंदर कितना लिखे, 93 लिखे हो बोला, तो 2 लाख के सामने 93 दिख रहा है ना, वो हमेशा बैंक पे लिखना है 93 लाख। आपने जो पेमेंट लिखा ना फर्स्ट सेटलमेंट 2 लाख डॉलर, उसके सामने का जो अमाउंट दिखे वो बैंक में डाल देगा कि आप पेमेंट कर उतना, और एक्सचेंज लॉस कितना हुआ है 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर लॉस, इसका मतलब इधर कितना आएगा 92 लाख। हमें पहले बैंक का अमाउंट फिलअप कर दिया आपने सेटलमेंट वाला, तो सेटलमेंट का अमाउंट इधर है, और जब मैं डिफरेंस में लॉस दिख रहा 1 लाख का, लॉस का भी हो गया, तो बाकी का बैलेंस ऐसे मैं जनरली लिखते समय लिखा हूँ आपको, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर लिखा एनी डिफरेंस विल गो टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में, फिर आपको लिखा लोन की ओरिजिनल अमाउंट लिखते हैं, ओरिजिनल कैसे लिखेंगे सर, ओरिजिनल तो लोन का 460 लाख है सर, पर सोचो 460 लाख 10 लाख डॉलर का है और अभी पेमेंट खाली 2 लाख डॉलर का ही हो रहा है, तो 2 लाख डॉलर का ओरिजिनल रेट कितना था 46 था, 2 लाख × 46 92 लाख। इससे बेटर उसे छोड़ दो, थीरी और प्रैक्टिकल थोड़ा फर्क होता है, सेटलमेंट का अमाउंट बैंक में लिख दिया आपने, ये हो गया प्रॉफिट लॉस, तो वहाँ से मिल जाएगा चार्ट से तो हो जाएगा, जब ये दोनों मिल गया तो मिल जाएगा ना बैलेंस फिगर, बस तो बीइंग फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ 2 लाख डॉलर वेयर पेड at the rate of $1 equal to कितना था 46.50 ना 46.50 and difference adjusted in exchange fluctuation account। समझता कुछ क्या हो रहा है, तो loan account debit एक्चुअल प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इतना ये फर्स्ट सेटलमेंट का हो गया, उसके बाद और क्या दिया आपके पास, अरे ईयर एंडिंग दिया, अरे बुक क्लोज करना है, लेकिन सुना भी बुक क्लोज करना है, क्लोज करने से पहले जो भी आप कुछ करना है करना पड़े ना, एक बार क्लोज भी कैसे करोगे आप, किस सब में डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है तो उसका करना पड़ेगा, वैसे कभी कभी ऐसे लोन लिया है तो लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट भी रहेगा समटाइम, तो सब मैं आपको करके नहीं दिया हूँ, वो आएगा सामने, तो बुक क्लोज होने से पहले अगर डेप्रिसिएशन में दिया है तो डेप्रिसिएशन करेंगे, इंटरेस्ट अगर दिया है तो इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा, कैसे आएगा वो समय आएगा तब हम लोग को डेप्रिसिएशन करना है, कितना दिया तो डेप्रिसिएशन 10% ऑन WDV मेथड, WDV मतलब बैलेंसिंग मेथड, अभी तो पहला साल ही खरीदे आपने, पहले साल तो जितने खरीदे उस पर आएगा, चलो डेप्रिसिएशन बचपन से पढ़ते अपना एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये डेप्रिसिएशन का पैसा लोन वाले को देना है क्या, ये डेप्रिसिएशन अपना खुद का मैं चार्ज कर अपने असेट पे, इसको पेमेंट नहीं करना किसी को, तो डेप्रिसिएशन कितने का खरीदा था आपने मशीन 552 लाख का परचेज किया था, ये परचेज मशीन भी 552 लाख टोटल 460 ना, ये तो लोन हुआ और ये क्या फ्री में, ये भी तो दिया आपने जब सबने, तो टोटल मशीन वो कितने का पड़ गया, आपने 10,000 का मोबाइल लेना है, 10,000 का मोबाइल 2,000 पे अपने डाउन पेमेंट क्या, और 8,000 बाकी का बैलेंस देना है, तो 8,000 और 2,000 नहीं जोड़ू 552 लाख
इंटू 10% वेट 6 मंथ के लिए, क्यों 30 जून को लिया, 30 जून से दिसंबर 6 मंथ का, खाली 552 पे करो ना, 27,60,000। दिमाग में क्या हो रहा है, आपका मशीन कितने का था, तो टोटल कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट 552 लाख, 10% रेट है और 6 मंथ के लिए, बीइंग 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द एंड ऑफ द ईयर। उसमें आ रहा है कथा तो सुनिए, चले गया डेप्रिसिएशन, इतना आ गया, आफ्टर डेप्रिसिएशन के बाद आप ईयर एंडिंग पे देखो, सुनो ईयर एंडिंग का वर्क इन्होंने दिया है, ईयर एंडिंग में पेमेंट नहीं कर रहे, खाली बुक क्लोज कर रहे हैं, तो जिस दिन बुक क्लोज करते उस दिन भी देखना पड़ता है कि अपना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, ईयर एंडिंग में कोई पेमेंट का एंट्री नहीं करना है, लेकिन जो प्रॉफिट लॉस है उसका एंट्री करना है, लॉस हो रहा है, कितने का 4 लाख का लॉस है, कैसे करें एंट्री 4 लाख का लॉस का, ईयर एंडिंग के दिन ही करना है, लॉस लॉस हुआ तो क्या आएगा, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, बराबर, इतना वाले लॉस हुआ इसलिए नो पेमेंट आया, बैंक नहीं लिखना है, अब ये लॉस हुआ किसके अगेंस्ट, लोन के अगेंस्ट, तो लोन लिखने, अगर क्रेडिटर तो क्रेडिटर लिखो, लोन है तो लोन लिखो, हाउ टू पुट द ईयर एंडिंग एंट्री, ईयर एंडिंग की एंट्री में कोई पेमेंट नहीं करना है, अब लॉस हो रहा है तो लॉस एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट, ये लॉस किसकी वजह से हुआ, मेरा लोन की वजह से, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू लोन, अगर प्रॉफिट होता तो उल्टा कर दो, लोन टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, प्रॉफिट होता एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट होता था, लोन टू एक्सचेंज आता था, कितना लॉस है 4 लाख, बी एट द एंड ऑफ द ईयर, At the end of the year, balance of loan adjusted at the rate of $1 equal to क्या था उसका rate 46.50 each. क्या? अभी सुनो, अभी और करना है, और करना है? Yes. नो, 13 से पहले 12 का भी करना है सर, 12 में करना क्या है आपको मैंने थ्योरी में लिख दिया रहूंगा पॉइंट, एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ओके, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो बैलेंस आएगा उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर, अभी सर पकड़ लिए कि इक्वेशन में, तो एट द एंड ऑफ द ईयर में एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ट्रांसफर करना है, सुनो कहाँ कहाँ एक्सचेंज आया वो चेक करो, एक्सचेंज यहाँ पे डेबिट है 1 लाख और कहाँ पे है 4 लाख, ना इन टोटल 5 लाख का लॉस है ना, लॉस है इधर पे, लॉस इधर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट इधर प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट, ये 5 लाख का अमाउंट को हम लोग को ट्रांसफर करना है। ओके, तो रिमेंबर पूरा ईयर एंडिंग का कंप्लीट होने के आफ्टर दैट एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो बैलेंस था उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है, और प्लस जो डेप्रिसिएशन इसको भी प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे, जो भी नॉमिनल अकाउंट के आइटम होते हैं दैट हैव टू गो टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ये 3 आइटम रहेगा, ईयर एंडिंग होने के बाद वो 3 का प्रॉफिट लॉस में डालना है एंट्री, इस सब में आप चाहो तो दोनों एक साथ कर सकते हो, क्यों, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का ये डेबिट आ रहा है मतलब लॉस है 5 लाख और ये डेप्रिसिएशन भी लॉस ही है, कभी कभी ऐसा होगा कि एक प्रॉफिट है और एक लॉस है तो अलग एंट्री करना है, तो 31 दिसंबर ट्रांसफर एंट्री करना है, लॉस है, लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, 2 एक्सचेंज फ्लक्चुएशन
अकाउंट एंड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में 5 लाख और डेप्रिसिएशन में 27,60,000, 32,60,000 बराबर है बी बैलेंस ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल। ऐसा भी आपका 1 ईयर कंप्लीट हुआ हमारी कॉल ये बता इससे बोला अगर डायरेक्ट पहला लेजर करूँगा ना बस पैरालिसिस हो जाएगा अपने को। पहला क्या करना आपको पर्चे दिया था तो पर्चे का एंट्री करो आप असेट्स अकाउंट डेबिट टू लोन और 2 लाख का सेल फाइनेंस के तहत पेमेंट किया आपने असेट्स अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट एंड टू बैंक 10 लाख का लोन पेमेंट है और 2 लाख का सेल्फ फाइनेंस था वो 10 लाख का तो 4 से अमाउंट आ जाएगा बट व्हाट अबाउट द 2 लाख ये कौन सा रेट लेना सर डाउन पेमेंट करे तो अंदर जिस दिन भरे उसी दिन का रेट और रेट से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का ऐड करो तो पूछेगा मशीन का कॉस्ट कितना है तो क्या बोलूँगा मैं 552 लाख वो मेरा कॉस्ट है मशीनरी इंपोर्टेड वर्थ ऑफ $12 एट द रेट ऑफ $46 और उसके बाद में इंडियन करेंसी में क्या क्या आपने कन्वर्ट किया फिर बता रहे कि उसमें से $2 लाख क्या है डाउन पेमेंट है देन क्या दे दिया है सेटलमेंट का दे रहा पेमेंट के बारे में 31 दिसंबर तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है और लॉस है क्वेश्चन है और वर्किंग नोट में एक्सेप्टेड डेबिट अमाउंट फिलअप के टाइम में सेटलमेंट का जो अमाउंट आपका है वो बैंक में लिख दो लॉस प्रॉफिट मालूम ही है तो बाकी का बैलेंस इधर आ जाएगा ये 92 लाख उन्होंने बैलेंसिंग फिगर इधर ले लिया। डोंट गो टू द थ्योरी वाइज गो टू द प्रैक्टिकल वाइज सेटलमेंट का जो चार्ज का अमाउंट है वो बैंक में लिखना कोने में देखो लॉस प्रॉफिट दिखा वो उसके हिसाब से कर दो बाकी का बैलेंस पेमेंट हो गया फिर उधर चार्ट में क्या दिख रहा है ईयर एंडिंग बट ईयर एंडिंग से पहले कुछ और करना हो सब करो आप तो क्या करना है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है लिख के दिया नहीं क्योंकि हर समय ऐसा आता नहीं सब बहुत रेयर समय आता है डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट सब उसका जरूरत नहीं था लिखने के लिए तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स जितना उसका कॉस्ट रहेगा उस पर 10% बोला है और जो टाइमिंग जून से लेकर दिसंबर 6 महीना ओके डेप्रिसिएशन चार्ज सर इसको डॉलर में कन्वर्ट नहीं किए ये इंडिया में ही है ये भी देना नहीं है इसको डॉलर में उसमें कन्वर्ट वन्वर्ट करना है तो और ये ऑलरेडी 550 चुका है रुपीज़ है ना और उसी पर हमने कैलकुलेट किया है एंड देन ईयर एंडिंग पे ईयर एंडिंग में क्या हो रहा है भाई 1 लाख का लॉस दिखा रहा है 4 लाख का लॉस 10% डेबिट क्या लिखेंगे क्या पेमेंट करो क्या नो इट इज अगेंस्ट लोन 10% टू लोन होने के बाद जो भी नॉमिनल अकाउंट के आइटम है दैट आई हैव टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो 3 आइटम है रखना है डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट और एक्सचेंज फ्लक्चुएशन तो डेप्रिसिएशन का डेबिट था तो उसको क्रेडिट कर देखो ट्रांसफर टाइम में और एक्सचेंज कर देखो 1 लाख डेबिट और ये भी 4 लाख डेबिट ही है तो डेबिट डेबिट ऐड हो गया 5 लाख डेबिट है तो ट्रांसफर टाइम 5 लाख क्रेडिट हो गया ठीक है ये अभी फर्स्ट ईयर का पास कर दो तो चले अभी हम सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में चार्ट में क्या दिया हुआ है अगेन 31 दिसंबर 2013 को पेमेंट हो रहा है और लॉस ही हो रहा है ओके 2013 को 31 दिसंबर पेमेंट करना है तो लोन अकाउंट डेबिट बराबर है और अपने लॉस है ना तो पे लॉस है जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट राइट है पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ $1,50,000 अब अमाउंट कैसे लिखूंगा पहले बैंक का अमाउंट देखो सेटलमेंट के सामने कितना है 70,50,000 लॉस में कितना दिखा रहा है 75,000 तो कितना बैलेंस आ जाएगा 69,75,000 बराबर है लोन अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बैंक वाले में सेटलमेंट का अमाउंट
एक्सेप्शन लॉस का अमाउंट और जो डिफरेंस आएगा लोन में। बी 1.5 लाख डॉलर वेयर पेड एज सेकेंड इंस्टॉलमेंट और सेकेंड सेटलमेंट। एट द रेट रुपीज $1 इक्वल टू वॉट 47 आई थिंक एंड डिफरेंस एडजस्टेड इन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन खराब हो गया ये हो गया। उसके बाद आपके वर्कआउट में क्या दिखा रहा है ईयर एंडिंग दिखा रहा है बट ईयर एंडिंग से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा सहसा बनोड़े हाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट वेट आगे मत भागो। नाउ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए टू मेथड है SLM OCM FIM ठीक है RDM WDV और क्या है भाई रिड्यूसिंग रिटन डाउन डिमिनिशिंग SLM स्टेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉज मेथड जिसे लगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अगर ये मेथड रहता है तो हमेशा जो डेप्रिस आएगा वो कॉस्ट पे आएगा कॉस्ट पे SLM, OCM और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड तो ऑलवेज डेप्रिसिएशन चार्ज आएगा कॉस्ट तो हर साल कॉस्ट पे आएगा ऑन कॉस्ट। RBM मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड जो बैलेंस है उसके ऊपर पहले साल तो कॉस्ट पे आएगा फर्स्ट ईयर कॉस्ट पे आएगा बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। पहला साल कॉस्ट पे आएगा बट दूसरा साल जो कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके जो बैलेंस है उसके ऊपर आएगा। अगर सेकेंड ईयर करना हम लोग को तो पहला साल का कॉस्ट कितना है 552 है और पहले साल आपने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया था जितना माइनस करेंगे तो करना पड़ेगा वो वाले मेथड पे। अगर SLM होता तो डायरेक्टली 552 पे आता था। अब क्वेश्चन में क्या बोला था 10% क्या पका रहा हूँ SLM OCM फिक्स इंस्टॉलमेंट इसमें कॉस्ट पे आएगा चाहे जब भी आप कर रहे हो। देखिए RBM WDV मेथड और रिटर्न डिमिनिशिंग वाले मेथड इसमें हर साल जो डेप्रिसिएशन आएगा पहला साल खाली कॉस्ट पे आएगा और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से जो भी है उसके पीछे साल जितना डेप्रिसिएशन आएगा वो माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर आएगा। चलो पहुंच कर दीजिए चश्मे में पे डेप्रिसिएशन वी हैव टू प्रोवाइड। अब कॉस्ट कितना था 552 लाख था राइट और अपना मेथड है WDV का है तो फर्स्ट आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था 27,60,000 चार्ज किया था आपने ओके तो पहले इसको माइनस करो 524 इतना आ गया इसके ऊपर 10% और रिमेंबर पहले साल में 6 महीना किया था कि जून से लेके दिसंबर था दूसरा साल अब दिसंबर से लेके 2013 तक है पूरे साल का आएगा पहला 30 जून से दिसंबर तक आगे करना था ना अब अगला दिसंबर से अगला दिसंबर कितना आ रहा पूरा एक साल रहेगा फिर आगे पूरा फुल ईयर कितना आएगा 52,44,000 अगला का है काय कर दो सर बीइंग 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन WDV मेथड ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के बाद क्या करना है अब ईयर एंडिंग दिया है
ईयर एंडिंग में पेमेंट नहीं करना है, प्रॉफिट और लॉस देखो क्या है, अगेन लॉस ही है, लॉस तो क्या आएगा, लॉस है तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट टू लोन अकाउंट, कितने का लॉस है, 3,25,000 का लॉस है, बी एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट एडजस्टेड एट द रेट रुपीज 47, $1 इक्वल टू 47 रुपीज, ये हो गया आपका ईयर एंडिंग का भी हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, ईयर एंडिंग हो गया, लास्ट में क्या करेंगे, ट्रांसफर, वापस ट्रांसफर करने के लिए क्या है, देखो ये सब 2013 का देखना पूरा, दूसरे के बाद गिनते बैठना आप, 2013 का आप देखो, यही 2013 का डेटा है, याद देखो 75 का लॉस है ये, और यहाँ पे 3,25 का लॉस, मतलब 4,00,000 का लॉस वापस, ये लॉस है और डेप्रिसिएशन भी एक है, तो दोनों में 70 करेंगे, उसके साथ कन्वर्ट कर दो तो 31 दिसंबर को क्या एंट्री आएगा, दोनों का लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट एंड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कितना आया था 75,000 और ये 325 4,00,000 और डेप्रिसिएशन का कितना आया था 56,44,000 being balance of exchange fluctuation and depreciation transfer to profit and loss account. Swaha. चल भाई पहला एंट्री क्या था, पहला अकाउंट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट है, बराबर है, वो जनजन को हमको लिख में पोस्ट करना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लोन टू बैंक है, राइट, देखो मशीन कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन डेबिट साइड है, मैं इसको डालना मशीन डेबिट साइड में टू लोन टू बैंक, डेट क्या है 2012 30 जून, जनरल का पोस्टिंग करना हम लोगों को, मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन एंड टू बैंक, लोन में 460,00,000 था और इसमें 92,00,000 था, राइट है, जनरली देख रहे हो, सुना भी पे, मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन, मशीन टू लोन, मशीन वाले में टू लोन, तो लोन वाले में 2012 30 जून बाय मशीन अकाउंट 460, बाकी 2,00,000 तो मैं 92,00,000 तो बैंक का है ना, मशीन टू लोन में जो अमाउंट हो लिखना खाली, मशीन अकाउंट डेबिट तो मशीन में डेबिट चाह लिख दिया लोन एंड बैंक, अब मशीन में लोन लिखा आपने तो उसका सेकेंड पे लोन मिलेगा बाय मशीनरी 460, मशीन के अंदर टू बैंक लिखा होता है, बैंक अकाउंट ड्रॉ करूँगा तो उसमें बाय मशीनरी लिखूंगा 92 और बैंक का भी है ना 2,000 बस फॉरगेट, ये हो गया आपका पहला एंट्री, सेकेंड क्या है, लोन अकाउंट डेबिट एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट टू बैंक है, लोन अकाउंट डेबिट एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट टू बैंक, बराबर, सुना भी, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू बैंक, ठीक है ना, लोन डेबिट साइड है तो लोन डेबिट साइड ही तुम्हारा, एक्सचेंज भी डेबिट साइड है तो एक्सचेंज डेबिट साइड लिखेगा, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भाई बनाए ना, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ओ डेप्रिसिएशन नहीं बोला था हमने, डेप्रिसिएशन बना रहे, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है भाई,
सीट से आराम लगा एक्शन फ्रैक्शन बोला था, एक्शन फ्रैक्शन बोला ये। चलो सुना था कभी लोन अकाउंट डेबिट, हाँ लोन डेबिट चार्ट आ जाओ। 2012 31 दिसंबर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया। और फिर एक्सचेंज टू बैंक है, एक्सचेंज टू बैंक, एक्सचेंज टू बैंक 2012 31 दिसंबर टू बैंक। अब अमाउंट फिलअप करना हम लोग को, लोन में 92 लाख आई थिंक है और एक्सचेंज में 1 लाख, टोटल 93 लाख था बराबर। ये 93 लाख टोटल है, फॉरगेट दैट। लोन का कितना था 92, एक्सचेंज का 1 लाख, तो लोन में 92 लाख। कभी लेजर पोस्टिंग कभी की हो जीवन में? सब किए हैं लेकिन मुसलमान बस किए थे। लोन टू बैंक, एक्सचेंज टू बैंक, और इतना थर्ड एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन वाले में टू मशीनरी, तो मशीनरी वाले में बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि रक्षा अकाउंट कटवानी के बाय डेप्रिसिएशन 2012 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 27,60,000 आई थिंक, हो गया। बस उसके बाद क्या है? ईयर एंडिंग का आई थिंक एक्सचेंज टू लोन है, एक्सचेंज टू लोन ना, एक्सचेंज अकाउंट डेबिट टू लोन, एक्सचेंज 4 लाख, एक्सचेंज टू लोन, तो लोन वाले में बाय एक्सचेंज। ये तो अच्छा लग रहा है रे, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 4 लाख, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन एंड टू एक्सचेंज है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज एंड टू डेप्रिसिएशन राइट। अब हम लोग इसमें से कौन सा अकाउंट ड्रॉ किए? एक्सचेंज अकाउंट है ना, कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है, डेप्रिसिएशन का एक्सचेंज है। प्रॉफिट लॉस टू एक्सचेंज, प्रॉफिट लॉस टू एक्सचेंज, एक्सचेंज वाले में बाय प्रॉफिट लॉस 2012 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना अमाउंट रहेगा देखो तो पे सुनो। इसका इसमें लिखा हूँ 5 लाख और इसका 27,60 ना, एक्सचेंज का कितना है 5 लाख। अब सारे अकाउंट क्लोज करो, पहले ये तो क्लोज है, कितना बैलेंस आ रहा है? 8 लाख स्टार्ट हो गया, 372,00,372 टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोज कर रहे हैं हम ईयर एंडिंग पे। 31 दिसंबर को क्लोज किया आपने, टू बैलेंस कैरी डाउन, और उसको अगले दिन क्या करना है? ब्रूक फॉरवर्ड करना पड़ता है। 31 दिसंबर का है, 31 दिसंबर इधर कितना आएगा अभी 2013 फर्स्ट जनवरी ब्रूक फॉरवर्ड करेंगे अभी बाय बैलेंस ब्रूक डाउन 372। अच्छी को क्लोज करो 552,00,000 552,00,000 क्लोज करो भाई 52,44,44 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2014 फर्स्ट जनवरी
टू बैलेंस ब्रोक डाउन 52-44 एंड देन एक्सेप्शन संडे को दे टल्ली हो गया 5 लाख 5 लाख देर नो बैलेंस बिकॉज वो जो बैलेंस था वही 5 लाख ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट लॉस में। तो अभी आपका फर्स्ट ईयर हुआ क्या आपके पहले हमने यहाँ पर पहले मशीन परचेज किया आपने यहाँ तो मशीन परचेज का इंट्री था मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन टू बैंक मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन टू बैंक। अब बाद में फिर मशीन वाले में अगर टू लोन लिया हो तो लोन के अकाउंट में बाय मशीनरी अकाउंट अमाउंट इनका एंट्री पेमेंट का लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक का बट एक्सेप्शन भी है लोन अकाउंट डेबिट एक्सेप्शन डेबिट टू बैंक तो लोन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में लोन लिखा एक्सेप्शन भी डेबिट है डेबिट साइड रेस्पेक्टिव अमाउंट। फिर किसका एंट्री क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री हुआ है तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी मशीनरी में बाय डेप्रिसिएशन देन क्या किया हम लोगों ने ईयर एंड ईयर लॉस का एंट्री है क्या एंट्री है एक्सेप्शन टू लोन एक्सचेंज अकाउंट डेबिट टू लोन तो लोन वाले में बाय एक्सचेंज और फिर लास्ट एंट्री था प्रॉफिट लॉस वाले में प्रॉफिट लॉस टू एक्सचेंज एंड टू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट जो ड्रॉ नहीं किया उसको इग्नोर ही करो तो प्रॉफिट लॉस टू एक्सचेंज एक्सचेंज वाले बाय प्रॉफिट लॉस इतना और प्रॉफिट लॉस का एंट्री आने के बाद सब पहले क्लोज करके बैलेंस निकालो इसका बैलेंस आप बैलेंस करो और जो टैली वाला वो टैली करो। ओके आप सेकेंड ईयर आ गए सेकेंड ईयर फिर से वापस क्या है पहला पेमेंट है ना सेटलमेंट है 20-20 को क्या है लोन अकाउंट डेबिट एक्सेप्शन टू बैंक बराबर है लोन अकाउंट डेबिट एक्सेप्शन डेबिट टू बैंक तो लोन वाले में टू बैंक और एक्सचेंज वाले में भी टू बैंक लोन अकाउंट डेबिट 2014 31 December लोन टू बैंक कितना पेमेंट हो रहा है लोन जो कैसा है बैंक वाला अमाउंट नहीं लिख रहा इंडिविजुअली कितना कितना है 69,75 और एक्सचेंज में तो लोन वाले में 69,75,000 लोन टू बैंक एक्सचेंज टू बैंक 2013-31 December पेमेंट का उसका डेप्रिसिएशन आइटिंग है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आई थिंक 52,44,000 है बराबर है 52,44,000 ये क्या डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के बाद क्या है ईयर एंडिंग का है एक्सचेंज टू लोन ना एक्सचेंज टू लोन कितना 3,25,000 एक्सचेंज टू लोन तो लोन में बाय एक्सचेंज $3,25,000 फिर ट्रांसफर आई है प्रॉफिट लॉस टू डेप्रिसिएशन टू एक्सचेंज प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज एंड टू डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन एक्सचेंज क्या करूँ प्रॉफिट लॉस टू एक्सचेंज एक्सचेंज वाले में बाय प्रॉफिट लॉस ये थोड़ा अच्छा लग रहा है बाय पी प्रॉफिट लॉस कितना अमाउंट है 4 लाख बस एक बार प्रॉफिट लॉस का तो क्लोज कर दे अकाउंट ये हो गया 375,25 कितना बैलेंस आएगा 55 टू बैलेंस कैरी डाउन इसको क्लोज करा लो
5244 सॉरी इस साइड पर याद है ना 5244 40 का बैलेंस आएगा 47 196 30 कौन बोल रहा है बाय बर्थडे जब बोल रही ना तो सही बोल रही है बाय बैलेंस कैरी डाउन और आपका वो क्या हो जाएगा टल्ली हो जाएगा